अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और सब के परिंदे भी बिल्कुल ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो आज हम आपको फिंचेस की कॉलोनी की ब्रीडिंग दिखाने लगे हैं कि क्या प्रोग्रेस आई है। पहला क्लास तो आपने देखा था, अब दूसरे क्लास में देखते हैं क्या प्रोग्रेस आई है, क्या कितने एग्ज ले किए हैं, किस पेयर ने कितने चिक्स निकले हुए हैं, तो सारे इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते हैं। और कितने चिक्स हमने अलग किए हैं पिछले क्लास के, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में शेयर करते हैं। तो चलते हैं कॉलोनी के अंदर और आपको वन बाई वन मटकी की प्रोग्रेस दिखाते हैं। अच्छा तो दोस्तों हम आ गए कॉलोनी के अंदर और माशाल्लाह देखें जितनी भी हैं फिंचेस अच्छी खासी एक्टिव हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। और इसमें एक ये जिसके ऊपर अभी सामने कैमरा जा रहा है, तो ये मेरे पास एक इसमें पेयर ऐसा है कि जो किंग साइज़ का है और इसके चिक्स जो है अभी निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, देखेंगे कि किंग साइज के कितने चिक्स आए हैं। तो शुरू करते हैं पहली मटकी से, सबसे ऊपर वाली मटकी देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। अच्छा दोस्तों तीन एग्स हैं जिसमें से तीन एग्स से एक उसमें से चिक्स निकला है, कहीं मुझे लगता है आज ही निकला है, और दो एग्स बाकी हैं। उससे अगले माशाल्लाह दो चिक्स हैं, उससे नीचे वाले में देखते हैं, उससे नीचे वाले से चिक्स जो है वो कूद चुके हैं बाहर, सात वाली खाली है मटकी। इसमें माशाल्लाह चार एग्स हैं और चारों फर्टाइल हैं। इसमें माशाल्लाह एक एग्स ही है, ये भी मुझे लगता है अनफर्टाइल ही होगा, इसने भी एक एग्स ले कर दिया है। दोस्तों इसमें तीन एग्स हैं और एक चिक्स है और तीनों एग्स मुझे फर्टाइल ही लग रहे हैं, इंशाल्लाह ताला फर्टाइल ही होंगे। इसमें माशाल्लाह चार पांच चिक्स हैं। नीचे तीन एग्स हैं, चार एग्स हैं दोस्तों। तो अलबत्ता तीन से चार एग्स की एवरेज जो है वो माशाल्लाह कॉलोनी की है ही है। ये तीन चार चिक्स हैं दोस्तों, इसमें भी एक चिक्स है, बाकी बाहर कूद चुके हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये खाली है। ये भी खाली है मटकी, चार एग्स हैं, माशाल्लाह पांच चिक्स हैं। अच्छा दोस्तों आप देखो कि कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त इनको फीड कराई गई है, इनके पोटे फुल हैं बिल्कुल, फीड के हिसाब से कोई मसला परेशानी नहीं है। माँ बाप इनके जो है इनको बिल्कुल अच्छी तरह फीड करा रहे हैं। चार एग्स हैं दोस्तों, माशाल्लाह मुझे तो नहीं दिख रहा कितने एग्ज आए हैं कितने नहीं हैं, बहरहाल आपको दिख रहा होगा वीडियो में एग्ज हैं या चिक्स हैं। माशाल्लाह तीन एग्ज हैं इसमें, तो इसमें भी दोस्तों मुझे नहीं दिख रहा एग्ज हैं या चिक्स आए हैं, लेकिन होंगे कुछ ना कुछ। इसमें भी माशाल्लाह एक एग्ज है, इसमें तीन एग्ले हो चुके हैं। ये मटकी दोस्तों आपको उतार के दिखाता हूँ इसमें क्या ऊपर आएगा। माशाल्लाह तो आप देख रहे होंगे तीन से दो पांच चिक्स हैं, पांच चिक्स निकले होंगे। अच्छा दोस्तों फिंचेस की ये एक बहुत अच्छी
क्वालिटी होती है कि ये सब को जो है ना चिक्स जितने भी इनके निकलते हैं उनको फीड बहुत अच्छी कराती हैं। पांच एग्स हैं इसमें, आगे खाली है। चार एग्स हैं दोस्तों, इसमें माशाल्लाह दो चिक्स निकले होंगे, दो एग्स बाकी हैं। इसमें एक एग है दोस्तों, इसमें माशाल्लाह पांच एग हैं, एक एग, दोस्तों इसमें भी कोई एक दो चिक्स निकले हुए होंगे। इसमें से दोस्तों बाकी चिक्स बाहर कूद गए हैं, दो चिक्स बाकी अंदर रहते हैं। इसमें दोस्तों माशाल्लाह काफी चिक्स निकले हुए हैं, कुछ एग्स भी रहते हैं बाकी। इसमें भी एक या दो चिक्स हैं, ये खाली है अलबत्ता। इसमें भी कुछ चिक्स निकले हैं, कुछ एग्स बाकी हैं, इंशाल्लाह तआला उनमें से भी निकलेंगे। इसमें दोस्तों जब पिछली बार 7 से 8 इसमें चिक्स थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर 2 एग्स इसने ले कर दिए हैं, वो सारे चिक्स मैंने पकड़ के दूसरी साइड पर छोड़ दिए थे। 3 एग्स हैं इसमें भी, इसमें भी अलबत्ता काफ़ी चिक्स हैं, छोटे हैं अभी तक बिल्कुल, लेकिन चिक्स माशाल्लाह काफ़ी हैं। इसमें एक चिक्स है, इसमें भी चेक्स निकले हैं, दो एग्स भी बाकी हैं। अच्छा तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, फिर के मैंने चेक्स पकड़ के दूसरी साइड पे कर दिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर आप देख रहे हैं कि कितनी इनके माशाल्लाह फास्ट ब्रीडिंग है। इनके एग्स देखें और इनके जो है ना चेक्स निकलने की तादाद देखें, ये कितनी जल्दी जल्दी इन ये एग्स ले करती हैं और कितनी जल्दी इनके चेक्स निकलते हैं। इसमें भी अलबत्ता चेक्स भी हैं, एग भी हैं। तो दोस्तों मैं हर 2 क्लच के बाद मटकियाँ उतार देता हूँ, ये नीचे चिक्स भी कुछ बैठे हुए हैं, तो मैं हर 2 क्लच के बाद मटकियाँ उतारता हूँ दोस्तों, मटकियों की सफाई करता हूँ क्योंकि इनमें जरसीम वगैरह बन जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से मैं सारी मटकियाँ उतार के दोस्तों उसमें बाकायदा तौर पर मैं कोपैक्स पाउडर डालता हूँ। कोपैक्स पाउडर डाल के इनके लिए ये जो पहली वाली जितनी भी इनकी ये नेस्टिंग होती है मैं सब की सब बाहर फेंक देता हूँ, ये दोबारा मैं यूज़ नहीं करता, और नई नेस्टिंग इनके लिए मैं बाकायदा तौर पे मैंने ला के रखी हुई है, वो मैं इनको डाल देता हूँ। ये नए फिर से अपने घोंसले बनाते हैं और चिक्स एवरेज माशाल्लाह फिर बहुत अच्छी आती है और कोई कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं बनते उनमें, ताकि कल को ये छोटे चिक्स जो होते हैं उनको कोई नुकसान पहुँचाए वो कीड़े नहीं बनते, क्योंकि कोपैक्स पाउडर होता है 2 बार की उनमें कैपेसिटी होती है कि 2 बार के जो है ना नेस्टिंग मटेरियल तक वो कीड़े नहीं बनने देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों दूसरी कॉलोनी में जिधर मैंने चिक्स छोड़े हुए हैं, आपको बताता हूँ चिक्स की तादाद कितनी है, कितने चिक्स इन्होंने निकालने हैं। पहले क्लच में जो अभी यानी कि ये क्लच जब से ये यूट्यूब चैनल बनाया है उससे पहले तो माशाल्लाह काफ़ी क्लच निकले हैं, लेकिन अभी जब से बनाया आपको साथ साथ जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला जब तक परिंदे रखे हुए हैं अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर दिखाता रहूँगा इनकी प्रोग्रेस। और चलते हैं दूसरी कॉलोनी में, आपको चिक्स भी दिखाते हैं, उनकी तादाद भी दिखाते हैं, और दिखाते हैं किस तरह उनको पानी हम कितना रखते हैं उनके लिए, और दाना वगैरह क्या क्या हिसाब किताब मैं सब आपको इंशाल्लाह ताला बताता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए हैं दूसरी कॉलोनी के अंदर जिधर मैंने डव वगैरह का सेटअप सब कुछ है, तो इसमें ये देखो चिक्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे चिक्स जो हैं इस क्लच के थे। आपको अंदर से व्यू दिखाता हूँ, तो ये देख ले दोस्तों ये सारे जितने भी चिक्स हैं ये सब के सब इस क्लच के थे, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 80 के करीब चिक्स हैं। और दोस्तों ये साथ साथ मैं सेल कर देता हूँ, ज़्यादा इनके चिक्स मैं रोकता नहीं हूँ, जितने भी होते सब के सब मैं साथ ही सेल कर देता हूँ।
ताकि कोई भी जो है ख़र्चा वो मुझे जेब से नहीं उठाना पड़ता, वो जितने भी इनके फीड वगैरह का या और भी जो भी ख़र्चा हो सब का सब इसमें से निकल आता है, अलबत्त अपनी जेब खर्च भी निकल आती है इसमें से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।